मेरे से तो टोपी भी नहीं पहन रहे कान्हा जी। क्या हुआ मेरे कान्हा, मेरे लड्डू गोपाल? अम्मी मुझे भूख लग गई, खाना दे दो। देरी बेटा, बस 5 मिनट। कान्हा जी को भूख लगा दो। अरे मेरे कान्हा क्या हुआ, नाराज है मेरा कान्हा, मेरा लड्डू नाराज है मेरे से, हैं? कपड़े भी नहीं पहन रहा, क्या बात है, क्यों इतना नाराज है? अच्छा तेरे लिए ना आपके पास एक नई ड्रेस लेके आऊंगी, ठीक है? नहीं फिर क्या चाहिए, खिलौने? अरे वाह, खिलौने चाहिए मेरे लड्डू को, अच्छा चल मैं खिलौने लेके आऊंगी, चल अब खा थोड़ा सा खा। हाँ मेरा लड्डू, मेरा प्यारा लाल। अरे मम्मी आपने 5 मिनट बोला था, 15 मिनट हो गई, और क्या आप इसे नहलाते रहते हो, खिला रहे हो, मूर्ति है मम्मी वो। बेटा ऐसे नहीं बोलते, मैं अभी आ रही हूँ ना, 5 मिनट वेट करो। हे मेरे लड्डू गोपाल, मेरे बेटे को माफ करना, नादान है वो, कुछ भी बोल देता है, आप तो समझदार हो ना, उसको माफ कर देना, उसको सद्बुद्धि देना, ठीक है मेरे लड्डू गोपाल? केशव ले बेटा खाना खा ले। और सुन मेरे बेटा, ऐसे नहीं बोलते जैसे तू बोल रहा था, मूर्ति है। अरे मम्मी आप ये क्या सब बातों में विश्वास रखते हो, साइंस का जमाना, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। अरे नहीं बेटा वो भगवान है, ऐसे नहीं बोला करते, गलत होता है। मम्मी मैं लेट हो रहा हूँ, मैं जा। सुन तो सही, सुन। में समय चाहे जैसा भी हो, अपनों का साथ बड़ा आवश्यक होता है, सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है, अपनों के साथ समय कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता, है ना? अबे पागल है क्या, इतनी तेज बाइक चला रहा है, चांद में जाके इतनी तेज चला के? अरे बच्चे ये क्या पहन रखा तूने, बहुत क्यूट है तू तो, किसी फैशन शो से आया है क्या? मेरी मम्मी मेरे को ऐसे कपड़े पहनाती है, मुझे पसंद है ये। अच्छा टॉफी खाएगा? मेरे को टॉफी पसंद है, मैं माखन खाऊंगा। माखन, माखन क्या खाएगा, बच्चे टॉफी खाते हैं। आप सिगरेट पी रहे हो, आपकी मैया को बताएं। चल आजा तुझे माखन खिलाता हूँ। अच्छा तो स्कूल नहीं गया? मुझे स्कूल जाने की क्या जरूरत है, मेरी मैया ने मेरे को सब सिखा रखा है। वैसे तू रहता कहाँ पे है? हर जगह, पर मुझे गया के बीच रहना बहुत पसंद है। अच्छा अरे कैसे भाई, तू यहाँ बैठा, मैं तेरे को ही ढूंढ रहा था। क्यों क्या हो गया? अरे यार क्या बताऊँ, जितना भी कमा रहा हूँ ना सारा वो घर के किराए में और डेली बेसिस में चला जाता है, सारी EMI पेंडिंग पड़ी है। मेहनत और लगन से जो काम किया जाए वो कभी विफल नहीं होता। कैसे? इनसे बोलो जितनी देर ये काम करते हैं 2 घंटा और काम कर लो। अरे यार तू एक काम कर, ओवरटाइम करना शुरू कर दे, जो काम तू करता है उसमें 2 घंटे और ऐड कर ले, महीने में 30 दिन होते हैं, अगर तू रोज से 2 घंटे भी काम करेगा ना तो तेरे 60 घंटे हो गए, और 60 घंटे की इनकम में से तू अपनी EMI आसानी से दे सकता है। इनको बोलो धैर्य रखे, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हाँ यार तू सही कह रहा है भाई, अब से यही कर। चल भाई ठीक है, सही कह रहा है, चल ठीक है। हे मेरे कान्हा, लगता है मेरी मैया मुझे बुला रही है, मैं चलता हूँ। चल ठीक है छोटे, तू अपना ध्यान रखना, ठीक है? मेरे बेटे को माफ कर, अपनी कृपा बना, सुबह से भूखा प्यासा निकला हुआ है, पता नहीं कहाँ है, मेरा तो दिल धड़क रहा है बहुत तेज, मुझे तो चिंता हो रही है कहाँ गया मेरा लाल। मेरे लड्डू तू ही मेरी सुन ले, अभी तक नहीं आया, उसे लिया मेरे पर, लिया ओ मेरे लड्डू गोपाल, लिया उसे। मेरे आसपास ये वृक्ष
ये पौधे, ये पुष्प देख रहे हैं आप, है ना सुंदर? क्योंकि आपने इन्हें देखा है। इसी प्रकार जब प्रेम की बात आती है, लोग किसी का मुख स्मरण कर लेते हैं। ऐसी आंखें, वैसी मुस्कान, तिरछी भ्रुकुट, घने के, पर क्या यही प्रेम का अस्तित्व है? नहीं, ये उस शरीर का अस्तित्व है जिसे हमारी आंखों ने देखा और हमने स्वीकार कर लिया। परंतु प्रेम, प्रेम भिन्न है। प्रेम उस वायु की भांति है जो हमें दिखाई नहीं देता, किंतु वही हमें जीवन देता है। ओए, पता तुझे, आज ना मुझे एक बड़ा प्यारा सा बच्चा मिला था, बहुत क्यूट था, पर शायद किसी फैशन शो से आया था। बड़े अजीब से कपड़े पहन रखे थे उसने, और ना उसने मेरे को बाल बाल बचाया, और आज मेरे को बहुत चोट लग जाती है। चोट लग जाती? कहाँ ध्यान रहता है आपका? अरे वो मैं सिगरेट। सिगरेट? आप सिगरेट पी रहे थे ना? अरे नहीं नहीं, मैंने पी नहीं थी वो। अगर सिगरेट पीनी नहीं होती ना तो आप लेते भी नहीं। अरे नहीं पी यार, उस बच्चे ने टोक दिया, उसके बाद मैंने पी नहीं। चलो अच्छा है, किसी ने तो आपकी सिगरेट छुड़वाई। अच्छा बेबी, काफी लेट हो गया यार, मैं घर जाती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, फिर कल मिलते हैं ऑफिस में, बाय। प्रेम को समझना है तो मन की आंखें खोल और प्रेम से कहो राधे राधे। यार आज मेरा बहुत लेट हो गया, अगर ऊपर गया तो मम्मी डांटेगी पक्का, और मैं सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, क्या बोलूं मम्मी को? मैंने आपको ढूंढ लिया, छोटे छुपे माखन खा रहे थे ना। अरे नहीं यार, मैं ना बहुत लेट हो गया हूँ, और पक्का ना मम्मी ऊपर जाते ही डांटेगी मेरे को, सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं है ना। पर एक मिनट, तू इस वक्त क्या क्या कर रहा है? अरे मैंने सोचा आप मुझे याद कर रहे होगे इसलिए मैं आ गया। अच्छा, तेरे घर वाले तेरे कुछ नहीं कहते? अरे मैं यहीं पास में तो रहता हूँ। अरे वो सब तो ठीक है, पर माँ को क्या बोलूँ मैं? एक काम करता हूँ, झूठ बोल देता हूँ, कह दूंगा ऑफिस से काम से बाहर गया हुआ था, तो मम्मी नहीं डांटेगी। झूठ का कद कितना ही बड़ा, ऊपर सच्चाई के सामने छोटा ही रहता है। क्या मतलब? आप अपनी मैया को सच बोल दो कि आप उस लड़के के साथ घूम रहे थे। अरे नहीं नहीं, मम्मी बहुत डांटेगी। पर एक मिनट, तुझे कैसे पता मैं लड़के के साथ घूम रहा था? तू मेरी जासूसी कर रहा था ना? अब ये जरूरी नहीं है, मैया को मनाना जरूरी है, नहीं तो यहीं पे सोना पड़ेगा। अरे हाँ यार, तू सही कह रहा है, चल तू घर जा, मैं मम्मी को सच्ची बोल देता हूँ। मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। कहाँ था तू? सुबह से तू घूम रहा है भूखा प्यासा, कुछ खाया पिया भी है या नहीं? मम्मी वो क्या वो मम्मी वो ना, मैं अपने दोस्त के साथ घूमने गया हुआ था बाहर। तो बेटा मुझे बता देता, तुझे पता है मुझे कितनी टेंशन हो रही थी, सुबह से भूखा प्यासा गया हुआ है, पता नहीं कहाँ गया है। चल बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेके आती हूँ। हाँ मम्मी, मक्खन भी लाना। तो केवल अपनी पीड़ाओं को गले से लगाकर जीता है वो निर्बल बन जाता है, किंतु जो व्यक्ति सारे समाज की पीड़ाओं को अपने हृदय से लगाकर जीता है वो बलवान बन जाता है। क्या दिक्कत है इनको? डॉक्टर साहब, मेरी माँ ने ना सुबह से कुछ नहीं खाया है। अच्छा,
इनको तो बहुत तेज बुखार है। ब्रीफकेस दिखाओ मेरा। अरे डॉक्टर साहब, एक बार मेरे लड्डू गोपाल को भी देख लो, कई दिन से खाना नहीं खाया। अरे आंटी जी, ये तो एक साधारण सी मूर्ति है, इसे देखने से क्या होगा। अरे डॉक्टर साहब, मेरी माँ की तसल्ली के लिए एक बार देख लीजिए, आपको जितना पे बनेगा मैं दे दूंगा। चलिए आप बोल रहे हैं तो मैं देख लेता हूँ। क्या हुआ डॉक्टर साहब? अरे इनका सीना धड़क रहा है। बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान। भगत के वश में है भगवान। कृष्णा जी आप? बोला था ना, मैं हर जगह रहता हूँ इस संसार में, हर जगह हर वक्त किसी के साथ रहता हूँ। कृष्णा जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। चिंता मत करो, अपनी माँ की इच्छा पूरी करो, वो ठीक हो जाएगी। माँ माँ हाँ बेटा। माँ ये, हाँ बेटा ये बहुत बीमार है, इनको एक बार इनकी नगरी घुमा ला। माँ मैं आज ही जाता हूँ। माँ देखो हम आ गए। अरे मेरा लाल आ गया, मेरा लल्ला आ गया। मैंने बोला था ना ठीक हो जाएगा वहां पे जाके, देख हो गया ठीक, और यहाँ मैं ठीक हो गई। अच्छा